सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन पर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक में लाइव ऑप्शन ऑन कैसे करें, टिकटॉक में लाइव ऑप्शन इनेबल कैसे करें, टिकटॉक पे लाइव कैसे आ सकते हैं। तो वीडियो में फुल बने रहे, फुल वीडियो को वॉच करें, फुल वीडियो को देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा लाइव ऑप्शन कैसे ऑन करना है। तो चलते हैं हम वीडियो के ओर। सो गाइस, हम अभी आ गया हमारा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आने के बाद उसके बाद क्या करना है, टिकटॉक को करना है ओपन, टिकटॉक को खोलना है। उसके बाद क्या करना है, देखो टिकटॉक ओपन हो गया हुआ है आज पहली बार जो ऐसे आने के बाद मी पे आने के बाद क्या करना है, कोने पे जो थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे करना है क्लिक। सबसे पहले एक यहाँ की स्क्रीन शॉट ले लो, अपना प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट कहाँ पे काम में आएगा मैं बोलूँगा। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है कहाँ पे, रिपोर्ट योर प्रॉब्लम, क्लिक किया वहाँ पे। क्लिक करने के बाद लाइव पेमेंट रिवर्स यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद लाइव होस्ट पे क्लिक किया। उसके बाद क्या करना है, कैन आई कैंट स्टार्ट ये लाइव क्लिक करना है इसमें। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को ये कर लेना, यस थैंक यू फॉर योर फेसबुक। उसके बाद यहाँ पे कर लेना है बैक। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है माय लाइव इज। अगर वैसा वीडियो देखते हो सो हे, क्या लगा वीडियो, क्यों काट कर दिया, वीडियो में क्या दिखाया समझ में नहीं आया, वीडियो इतना भी था। लेकिन आप भी अगर ऐसे ही वीडियोस देखते हो कि लाइव ऑप्शन कैसे ऑन करना है, वीडियो अगर देखते हो अपना डाटा ख़त्म करते हो, तो वह गलत है। लाइव ऑप्शन इनेबल नहीं होता है, ऑन आपको खुद नहीं करना पड़ता है, वो लाइव ऑप्शन ऑन आपसे आप हो जाता है जब आपका एक वीडियो वायरल हो जाएगा, जब आपका फॉलोअर्स 2000-3000 ऐसा हो जाएगा तब आपसे आप एनेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना, आप लोगों को ऐसा वीडियो नहीं देखना है। अगर ऐसा वीडियोस देखते हो तो बेकार है, वो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। लाइव ऑप्शन आपसे आप ऑन हो जाता है, अगर आप चाहते हो खुद ऑन करोगे तो कभी नहीं होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस जो है मैं उससे बोल रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा वीडियो में मत देख के ट्राई मत करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा अपडेट न्यू अपडेट पाने के लिए उस वाला बेल आइकन को दबा दो। ओके, बाय, टेक केयर।